इन एटॉमिक मास जो होगा वो एवरेज है वेट के टर्म्स में सो वेटेड एवरेज किसका आइसोटोपिक मासेस ऑफ एलिमेंट का यानी आइसोटोप्स के मासेस का एवरेज इन टर्म्स ऑफ नेचुरली ऑकरिंग आइसोटोप यानी नेचर में कोई आइसोटोप कितना ज्यादा परसेंटेज में अवेलेबल है उसके परसेंट के हिसाब से वेट्स का एवरेज निकालना है दैट इज एवरेज एटॉमिक मास और मीन एटॉमिक मास मैथमेटिकली अगर हम समझें तो अगर आप एवरेज एटॉमिक मास को x से रिप्रेजेंट करते हो तो दैट विल बी ए वन एक्स वन प्लस ए टू एक्स टू प्लस ए थ्री एक्स थ्री प्लस ए फोर ऐसे करते करते हम पहुंचेंगे ए एन एक्स एन तक डिवीजन में X1 plus X2 plus X3 plus x4 ऐसा करते करते तक सारे आइसोटोप्स के परसेंटेज का सम विल बी बी सो कम्स आउट थ्री एक्स थ्री ऐसे करते करते Xn हंड्रेड जहां पे ए वन ए टू ए थ्री आर द एटॉमिक मासेस ऑफ द आइसोटो एंड एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री आर द परसेंटेज अबंडेंस इन नेचर बेसिकली आपने क्या किया देखिए ए वन एक्स वन मतलब एटॉमिक मास ऑफ वन परसेंटेज अबंडेंस ऑफ वन ए टू एक्स टू एटोमिक मास ऑफ टू परसेंटेज अबंडस ऑफ टू ऐसे करते करते ए एन एवरेज एटॉमिक मास का ए वन एक्स वन प्लस यहाँ पे एटोमिक मासज है एक्स वन एक्स टू क्या है परसेंटेज अब कितने परसेंट मेंसनि कितना ज्यादा कौन एग्जिस्ट करता है जैसे दो आइसोटोपे तो कितना कितने परसेंट में एग्जिस्ट करते हैं क्या बराबर बराबर है कोई एक फॉर्म ज्यादा है कौन सा फॉर्म ज्यादा है कौन सा फॉर्म कम है तो उसको नापने के लिए आप परसेंटेज अबंडेंस लिख रहे हो ओके okay? देन एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं तो क्वेश्चन है नेचुरली ऑकरिंग क्लोरीन इज सेवेंटी फाइव परसेंट थर्टी फाइव ज एटोमिक मास थर्टी फाइव ए एमयू एंड ट्वेंटी फाइव परसेंट क्लोरिन थर्टी सेवन विच हैजॉमिक मास ऑफ थर्टी सेवन ए एमयू कैलकुलेट द एवरेज एटोमिक मास ऑफ क्लोरिन तो अगर हम एवरेज एटोमिक मास ऑफ क्लोरिन निकालना चाहते हैं तो वो हो जाएगा atomic mass of isotope one into percentage of isotope one plus atomic mass of isotope two into percent of isotope two डिड बाई टोटल परसेंटेज दैट इज हंड्रेड तो कुल मिला के एटोमिक मासोटोप वन दैट इज क्लोरिन थर्टी फाइव कितना है भाई क्लोरिन थर्टी फाइव का है थर्टी फाइव ए एमयू इन टू परसेंटेज ऑफ आइसोटोप वन वन कितना है सेवेंटी फाइव परसेंट प्लस आइसोटोप टू कौन सा है देखो क्लोरिन थर्टी सेवन एटोमिक मास कितना है थर्टी सेवन ए एम यू इन टू परसेंटेज ऑफ आइसोटोप टू कितना है देखिए ट्वेंटी फाइव परसेंट डिविजन में आ गया हंड्रेड सॉल्व करें इसे सो so ये आ जाएगा थ्री फाइव फाइव जीरो अपॉन हंड्रेड That is equal to 35.5 amu. 35 AMU is the average atomic mass of chlorine. आप पीरियोडिक टेबल में अगर देखेंगे अब तो आपको यह देखने को मिलेगा कि पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक मास 35.5 फाइव एमयू ही दे रखा है यानी कि हमें दो पॉइंट्स लिखने हैं पहला नोट लिखिए इन ऑल कैलकुलेशन वी यूज एवरेज एटॉमिक मास दिखाई दे रहा है सेकेंड पॉइंट देखिए यह पॉइंट नंबर वन कर लीजिएगा फिर पॉइंट नंबर टू इन पीरियोडिक टेबल वी रिपोर्ट एवरेज एटॉमिक मास So, आप पीरियोडिक टेबल जाके एक बार देखिएगा जरूर आप देख पाएंगे कि ज्यादातर एलिमेंट जैसे कि क्लोरीन जैसे एलिमेंट है एटॉमिक नंबर 17 मास नंबर आप देखेंगे तो 35.5 अब ये पॉइंट फाइव क्यों आया आप तो यहां कह रहे थे नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन था फ्रैक्शन कैसे आ सकता है वो तो वो इस वजह से आ सकता है क्योंकि वो दो आइसोटोप्स का एवरेज है और एवरेज जो है वो फ्रैक्शन आ सकता है तो क्योंकि यहां पे ये फ्रैक्शन है सो वी कैन से दैट दिस इज एवरेज एटॉमिक मास जितने भी कैलकुलेशन होंगे उनमें एवरेज एटॉमिक मास यूज किया जाएगा पीरियोडिक टेबल के अंदर में भी एवरेज एटॉमिक मास ही लिखे होते हैं इस वजह से ही वो फ्रैक्शन के फॉर्म में दिखाई देता है नोट कर लिया हमने चलिए अगला एग्जाम्पल लिखिए हाइपोथेटिकल एलिमेंट एक्स अ हाइपोथेटिकल एलिमेंट एक्स एग्जिस्ट इन टू आइसोटोपिक फॉर्म containing 100 atoms with mass 12 amu and 10 atoms with mass 14 amu calculate the average atomic mass of element x calculate the average atomic mass of element x सॉल्व करो अब यहाँ परसेंट के टर्म में नहीं दे रखा है आपको दे रखा है हंड्रेड आइटम्स ऑफ फर्स्ट आइसोटोप एंड टेन एटम्स ऑफ सेकेंड आइसोटोप अब कैसे अप्रोच करें तो अगर हमें एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एक्स चाहिए सो आई कैन राइट एक्स वन इनटू परसेंट ऑफ या परसेंट के टर्म्स में तो नहीं लिखा तो हम लिख सकते हैं यहाँ सीधा सीधा अबंडेंस ऑफ वन प्लस एक्स टू इन टू डिवाइड बाय अबंडेंस ऑफ वन प्लस एक्स वन एक्स टू आर द एटॉमिक मास हंड्रेड एटम्स थे 12 into 100, plus second वाला देखिए फोर्टीन ए एमयू मास था और इसके थे टेन एटम्स तो प्लस फोर्टीन इंटू टेन डिविजन में आएगा कितना अवेलेबल है कौन तो पहला वाला था हंड्रेड सेकेंड वाला था टेन सो दिस कम्स आउट टू बी प्लस डिवाइड बाय वन वन जीरो सॉल्व करेंगे आप तो ये आ जाता है ट्वेल्व पॉइंट वन एट ए एम यू एंड दैट इज द आंसर ओके okay. नोट कर लिया देखो एक चीज अच्छे से समझ लो एटॉमिक मास इनटू अबंडेंस है ओके okay. अगर परसेंट अबंडेंस दिया तो परसेंट अबंडेंस से मल्टीप्लाई करेंगे अगर एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स दिए हैं तो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स अगर मोल्स दे दिए जाए कल को यहां पे तो मोल्स रखेंगे डन चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल खुद से ट्राई करो खुद से सॉल्व करो सो कॉपर हैज टू नेचुरली ऑकरिंग आइसोटोप एक है कॉपर 63 और इस आइसोटोप का मास है 62.9 टू पॉइंट नाइन ए और परसेंटेज अबेंडेंस है 69 परसेंट पूछता है व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ सेकेंड आइसोटोप व्हाट इज द एवरेज व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ सेकेंड आइसोटोप एवरेज एटोमिक मास इज सिक्सटी थ्री पॉइंट फाइव फोर ए एमयू अब यहां एवरेज दे रखा है आपको और पूछा है कि सेकेंड आइसोटोप का मास कितना होगा करिए ट्राई तो पहले हम गिवन लिख सकते हैं यहाँ पे पहला है हमारे पास कॉपर 63 जिसका एटॉमिक मास है 62.9 सिक्सटी और परसेंट अबंडेंस कितना है 69 दूसरा है मान लो एक्स है एटॉमिक मास कितना है नहीं पता तो लेट इट बी एक्स इसको कॉपर मान लेता हूं सी यू एक्स या वाई मान सकते हो आप चाहो तो परसेंट कितना होगा टोटल दोनों मिला के हंड्रेड परसेंट था तो हंड्रेड माइनस सिक्सटी नाइन दर्टी वन परसेंट अब हम जानते थे कि एवरेज अगर चाहिए तो एटॉमिक मास ऑफ वन into percent of 1 plus atomic mass of 2 into percent of 2 divide by 100 average there are 63.54 atomic mass of 1 62.9 percent of 1 परसेंट देखो सिक्सटी नाइन परसेंट प्लस एटॉमिक मास ऑफ टू नहीं पता मान लिया मैंने एक्स परसेंट ऑफ टू परसेंट ऑफ टू अभी निकाला मैंने थर्टी वन परसेंट डिवाइड बाय हंड्रेड एक्स के लिए आपको सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को एक्स के लिए सॉल्व करना है तो आप जब सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू यहाँ आ जाती है 64.96 एग्जैक्ट वैल्यू बता रहा हूँ अप्रॉक्सीमेट कर लेंगे अगर आप तो आप इसको 65 फाइव भी कह सकते हैं अब कैलकुलेशंस का थोड़ा सा यहाँ पे है बाकी कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं अपने को एक का मास दिया हुआ है परसेंट ऑफ वन दिया हुआ है दूसरे का परसेंट भी नहीं दिया है लेकिन आपको पता है कि सिर्फ दो ही चीजें जब थी तो दोनों का सम हंड्रेड परसेंट था अगर दोनों का सम हंड्रेड परसेंट था और एक का परसेंट दिया है तो दूसरे को हम हंड्रेड से सब करके निकाल लेंगे अब एवरेज अगर दे रखा है एक का एटॉमिक मास नहीं दे रखा तो आपको देखिए क्या क्या दिया हुआ है एक का एटॉमिक मास एक का एवरेज और परसेंट या फिर आपको क्या दिया होता है एटॉमिक मास ऑफ वन परसेंट ऑफ वन एटॉमिक मास ऑफ टू परसेंट ऑफ टू और एवरेज पूछता है यहां पे एवरेज के एटॉमिक मास ऑफ टू पूछ लिया गया कल को एटॉमिक मास ऑफ टू देगा और एटॉमिक मास ऑफ वन पूछ लेगा Formula समझ में आता है अपने को और परसेंट का मतलब क्या है किसका एटॉमिक मास कौन सा है ये अगर अपने को समझ में आता है तो वो कुछ भी इसमें वेरिएशन कर सकता है हम लोग सॉल्व कर लेंगे कोई दिक्कत उसमें नहीं आएगी नोट कर लिया हमने चलो अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए कहता है एक एलिमेंट वाई है जिसके दो आइसोटोप है कौन कौन से वाई टेन और वाई इलेवन मतलब एक का टेन है एक का इलेवन एमयू इतना ही इन्फॉर्मेशन दिया है क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से बनाया गया है इतना ही इन्फॉर्मेशन है एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं परसेंट के बारे में कोई जानकारी नहीं है सॉल्व करो वॉट इज द आंसर एबीसीडी इसमें से आपको बताना है आपका आंसर क्या आएगा सो इफ यू वॉन्ट एवरेज एटोमिक मास वी कैन सेक्ल टू ए वन एक्स वन प्लस ए वन यहाँ पे दे रखा है टेन इंटू एक्स वन ए टू दे रखा है यहाँ पे इलेवन और एक्स टू नहीं दे रखा तो आपने कहा कि एक्स वन प्लस एक्स टू जो है वो तो हंड्रेड होता है तो मैं इसको लेख सकता हूं हंड्रेड माइनस एक्स वन डिवाइड बाय हंड्रेड जाहिर सी बात है बिना एक्स वन के इंफॉर्मेशन के आप एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एवरेज एटॉमिक मास नहीं निकाल सकते बिल्कुल सही बात लेकिन क्वेश्चन तो सॉल्व करना है और इंफॉर्मेशन तो नहीं दे रखा तो अगर ए वन की वैल्यू टेन है और ए टू की वैल्यू 11 है तो क्या ये कहा जा सकता है कि इनका जो एवरेज आएगा वो इलेवन और टेन के बीच में होना चाहिए क्यों कहा जा सकता है ऐसा बिकॉज अगर हंड्रेड परसेंट एवन होता तो एटोमिक मास टेन हो जाता बट दो आइसोटोप तो एग्जिस्ट कर रहे हैं यानी दोनों में कुछ ना कुछ परसेंट तो होगा जीरो परसेंट टेन नहीं हो सकता जीरो परसेंट इलेवन नहीं हो सकता दोनों का कोई ना कोई वैल्यू होगी जीरो से ज्यादा अगर हंड्रेड परसेंट होता या हंड्रेड परसेंट टेन होता तो आंसर आता टेन बट हंड्रेड परसेंट नहीं है थोड़ा बहुत तो इलेवन है तो बी नहीं हो सकता फिर देखो अगर हंड्रेड परसेंट इलेवन होता मैं ये कह रहा हूं कि ए वन एक्स वन एक्स टू में अगर एक्स वन की जगह हंड्रेड रख दो आप एक्स वन की जगह हंड्रेड रख दोगे तो आंसर आपका टेन आ जाएगा और अगर आप एक्स टू की जगह हंड्रेड रख दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा इलेवन यानी अगर इलेवन हंड्रेड परसेंट होता तो आपका आंसर आता सी 12 ए तो आ ही नहीं सकता क्यों नहीं आ सकता बिकॉज दस और ग्यारह के बीच का एवरेज दस और ग्यारह के बीच का ही कोई नंबर होगा इट कैन नॉट बी ट्वेल्व तो डी तो वैसे ही गलत हो गया एक ही ऑप्शन बचा दैट इज टेन पॉइंट वन इस टेन पॉइंट वन को देख के आप क्या बता सकते हैं आप ये बता सकते हो कि ये जो वैल्यू है अगर मैं दस को यहां लिखूं और ग्यारह को यहां लिखूं

एटॉमिक मास टेन यानी कि वाई टेन ज्यादा अबंडेंट था इलेवन वाले से कितना अबंडेंट था वो भी हम चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं एवरेज की जगह टेन पॉइंट वन के एक्स वन और एक्स टू की वैल्यू निकालनी होगी ठीक है तो ये तो खैर बिना कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था अपने को समझ में आना चाहिए था कि एवरेज एटॉमिक मास दो नंबर्स अगर हैं तो दो नंबर के बीच में ही कोई एक नंबर होगा ओके okay. तो एवरेज एटॉमिक मास बहुत सिंपल होता है एक ही फॉर्मूला है उसके लिए कई बार वो एवरेज पूछेगा कई बार किसी एक का पूछेगा कभी बोलेगा परसेंटेज बताओ तो उसमें तीन ही वेरिएबल है वेरी करते जाना है आपको दो चीजें दी होंगी तीसरा आपसे पूछा जाएगा इसके अलावा उसमें और कुछ नहीं हो सकता अब आते हैं हम मोल पे तो मोल क्या होता है तो ये कहता है मोल इज द मास नंबर रिलेशनशिप यानी कि एक ऐसा क्वांटिटी है ये जो मास और नंबर को रिलेट कर सकता है मास और नंबर के बीच में रिलेशनशिप बता सकता है मोल इज आल्सो लिख लो मोल इज द एसआई यूनिट ऑफ केमिकल काउंटिंग मोल इज द एसाई यूनिट ऑफ केमिकल काउंटिंग यानी केमिकल्स को अगर आप काउंट करना चाहते हैं तो काउंटिंग के लिए आप मोल को यूज करते हैं डेफिनेशन अगर हम लिख लें तो बहुत अच्छे से हम आगे बात कर पाएंगे लिखो अमोल इज

एंटिटीज हो सकते हैं एटम्स मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं और अदर पार्टिकल्स हो सकते हैं जिनको आप काउंट करना चाहते हो एज देयर आर एटम्स इन एग्जैक्टली zero point zero one two kilogram or twelve gram of carbon twelve isotope. A mole is the amount of substance. A mole is the amount of the substance. Which substance? That contains as many entities. As many entities. Kya ho sakte entities? As many atoms or as many molecules or as many other particles as there are atoms. Kitane atoms? As there are atoms in exactly 0.012 किलोग्राम और 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप क्या मतलब है इसका कि एक मोल वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है जिसमें उतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं एंटिटीज हैं एटम्स हो सकते हैं मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं जितने की 12 ग्राम कार्बन 12 आइसोटोप में एटम्स हैं फिर से समझो वन मोल उतना सब्सटेंस का अमाउंट है जितने 12 ग्राम कार्बन 12 के अंदर में एटम्स हैं यानी कार्बन 12 के अंदर में जितने एटम्स होंगे उतने ही एंटिटीज अगर किसी सब्सटेंस के मौजूद हैं तो उस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को वन मोल कह दिया जाएगा 12 ग्राम कार्बन 12 एटम का 12 ग्राम कार्बन 12 के अंदर में जितने एटम्स हैं उतने ही एंटिटीज अगर किसी एक सब्सटेंस के प्रेजेंट हैं तो उस सब्सटेंस के उस अमाउंट को हम वन मोल कह देंगे तो कहता है देर आर एग्जैक्टली इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप अब ये जो पॉइंट है ना कि 12 ग्राम कार्बन 12 आइसोटोप में होते कितने एटम्स हैं वो पहले से हम लोगों को पता है सो फ्रॉम मास स्पेक्ट्रोमीटर अब मास स्पेक्ट्रोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है फ्रॉम मास स्पेक्ट्रोमीटर इट इज फाउंड दैट 12 ग्राम ऑफ कार्बन ट्वेल्व आइसोटोप हैज जीरो टू थ्री इंटू टेन टू दावर ट्वेंटी थ्री एटम्स तो मास स्पेक्ट्रोमीटर से हमने ये पहले ही पता लगाया कि 12 ग्राम कार्बन 12 में कितने एटम्स होते हैं 6.023 into 10 to the power 23 atoms. तो इतने number of जितने carbon 12 में atoms हैं उतने number अगर किसी दूसरे substance के entities हैं तो उस substance को आप one mole कहेंगे मैं वापस आता हूँ definition पे पहले मैं यहाँ तक आप note करो मेरे को एक point और लिखना है यहाँ पे तो हमने निकाल लिया 12 ग्राम कार्बन 12 आइसोटोप में हमने देख लिया 6.023 10 23 आप बेसिकली कह ही रहे थे कि इतना नंबर किसी का भी प्रेजेंट होगा तो वन मोल कहेंगे उसे तो आप कुल मिला के कह रहे हैं नोट कर ले इसे आप कुल मिला के ये कह रहे हैं कि 6.02 इंटू टेन टू दॉवर ट्वेंटी थ्री अप्रोक्सिमेशन ले लिया मैंने सिक्स पॉइंट जीरो टू इंटू टेन टू दावर ट्वेंटी थ्री इक्वल्स टू वन मोल ये नंबर को आप वन मोल कह देते हैं ऑल्सो सिक्स पॉइंट जीरो टू थ्री इंटू टेन टू दावर ट्वेंटी थ्री इज गिवेन सेपरेट सिंबल क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एक नंबर है इसलिए इसको एक सेपरेट सिंबल दिया गया है इसको बोलते हैं एन ए ए कैपिटल है, है देखिए सब्सक्रिप्ट में और इसे कहा जाता है अव गैड्रोज नंबर इसको कहते हैं अव गैड्रोज नंबर सो मैं यहां लिख सकता हूं 6.02 पॉइंट जीरो टू इंटू टेन टू दॉ ट्वेंटी थ्री इज इक्वल टू वन मोल दैट इज इक्वल टू अव गैडो नंबर ऐसे भी लिखा जा सकता है एक और तरीका यह हो सकता है कि हमने जो डेफिनेशन लिखा था उसके अकॉर्डिंग हम अगर जाए तो हमने कहा था कि वन मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट इज प्रेजेंट इन अमाउंट ऑफ सबस्टेंस दैट कंटेन्स एज मेनी एंटिटीज एज इन ग्राम कार्बन ट्वेल्व तो अगर वन मोल इन टू मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन ट्वेल्व ले ले हम सो दिस विल कम आउट टू बी 12 ग्राम क्या किया मैंने वन मोल एक एटम का मास इनटू वन मोल क्योंकि ट्वेल्व ग्राम ट्वेल्व ग्राम कार्बन ट्वेल्व के अंदर में वन मोल एटम्स थे तो वन मोल एटम इनटू मास ऑफ वन एटम विल गिव द टोटल मास सो वन मोल एंड मास ऑफ वन एटम इज ट्वेल्व इन टू मास ऑफ वन न्यूक्लियन ये हम पहले ही निकाल चुके थे एक एटम का मास क्या होता है नंबर ऑफ न्यूक्लियन इंटू मास ऑफ न्यूक्लियन दिस इज ग्राम। सो वन मोल आ जाएगा यहां से ट्वेल्व से ट्वेल्व गया और वन अपॉन मास ऑफ न्यूक्लियन। मास ऑफ न्यूक्लियॉन याद है हमें दिस वॉज वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दावर माइनस ट्वेंटी फोर माइनस ट्वेंटी फोर को जब आप सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है सिक्स पॉइंट जीरो टू थ्री इंटू टेन टू दावर ट्वेंटी थ्री तो आप दोनों तरीके से देख लीजिए मास स्पेक्ट्रोमीटर वाले तरीके से देख लो या ये सेकेंड मेथड से देख लो दोनों ही तरीका एक ही आंसर पे पहुंचेगा कि वन मोल जो होता है दैट इज सिक्स पॉइंट जीरो टू थ्री इंटू टेन टू ट्वेंटी थ्री बेसिकली देखो वन मोल एक नंबर है वन मोल एक नंबर है जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है कितना सिक्स पॉइंट जीरो टू थ्री इंटू टेन टू ट्वेंटी थ्री एक बहुत बड़ा नंबर है क्योंकि एटम्स का साइज बहुत स्मॉल है और एटम्स बहुत सारे होंगे किसी एक छोटे से सब्सटेंस के अंदर भी तो इस वजह से आपको एक बहुत बड़ा नंबर चाहिए था मेजर करने के लिए इसको आप बहुत ही सिंपल तरीके से ऐसे समझो कि अगर आपसे ये कहा जाए कि वन डजन कितना होता है वन डजन कितना होगा बोलो सो वन डजन इज इक्वल टू ट्वेल्व ये तो सबको पता है क्यों बताया जा रहा है फिर से हमें अच्छा बताओ वन स्कोर कितना होता है one score होता है ट्वेंटी के बराबर फिर वही सवाल फिर क्यों बताया जा रहा है हमें तो वन डजन अगर ट्वेल्व है तो अगर मैं कहूं आपसे कि वन डजन एप्पल दे दो मुझे तो आप क्या इसे ये कह सकते हो कि वन डजन एप्पल का मतलब है ट्वेल्व एप्पल इसी की जगह अगर मैं कह दूं कि वन डजन बनाना हो जाए तो इसका यही तो मतलब है कि मैं ट्वेल्व बनाना कह रहा हूं यानी कि वन डजन ट्वेल्व होता है अब उसके पीछे आप बनाना लिख दोगे तो ट्वेल्व बनाना हो जाएगा एप्पल लिख दोगे तो एप्पल चेयर लिख दोगे तो चेयर हो जाएगा टेबल लिख दोगे तो टेबल हो जाएगा किस सब्सटेंस का वन डजन है अगर मैं कहूं चेयर तो इसका मतलब हुआ कि ट्वेंटी चेयर की बात हो रही है ये हमको समझ में आता है वन डजन बेसिकली एक टेल्व को एक नाम दे दिया आपने की ट्वेल्व को आज से वन डजन बोलेंगे आपने नाम दे दिया उसी तरीके से मैं कह रहा हूं इसको ऐसे समझें कि 6.023 पॉइंट जीरो टू थ्री इंटू टेन टू दावर ट्वेंटी थ्री को एक मोल कह दिया जाएगा वन जैसे ट्वेल्व को आप वन डजन कह रहे थे ट्वेंटी को आप वन स्कोर कह रहे थे उसी तरीके से आपने कहा कि 6.023 पॉइंट जीरो टू थ्री इंटू टेन टू दावर ट्वेंटी थ्री को वन मोल कह देंगे आपसे ठीक है तो अगर मैं कहता हूं कि सिक्स पॉइंट जीरो टू थ्री इंटू टेन टू दावर ट्वेंटी थ्री एटम्स तो इसका मतलब हुआ कि मेरे पास वन मोल एटम्स है अगर आपसे ये कह दें सिक्स पॉइंट जीरो टू थ्री इंटू टेन टू दावर ट्वेंटी थ्री मोलिक्यूल्स के हैं तो इसका मतलब कि हमारे पास वन मोल मॉलिक्यूल्स के अगर इतने ही नंबर आप के कह रहे हो तो इसका मतलब आपके पास वन मोल है सीधे सीधे शब्दों में कहें तो वन मोल बेसिकली एक नंबर है और उस नंबर से आप क्या मेजर कर रहे हो कि 6.023 पॉइंट जीरो टू थ्री इंटू टेन ट्वेंटी थ्री एटम्स तो वन मोल एटम्स इतने मॉलिक्यूल्स तो मॉलिक्यूल्स और आप इसको वन मोल को आप अवगैडो नंबर से भी लिख देते थे तो वन मोल एटम्स का मतलब हुआ अवगैडो नंबर एटम्स और अवगैडो नंबर का मतलब सिक्स पॉइंट जीरो वन मोल मॉलिक्यूल्स तो अवगैडो नंबर मोलिक्यूल्स लिख दिया एंड इस तरीके से चलेगा तो वन मोल बेसिकली सिक्स पॉइंट जीरो टू थ्री इंटू टेन टू दॉ ट्वेंटी थ्री होता है तो आप बार-बार ये एक नंबर को यूज नहीं करना चाहते थे इसलिए आपने उसको में one mole कह दिया या अव गो नंबर कह दिया है। और इतने बड़े नंबर की क्यों जरूरत पड़ी एप्पल्स बड़े बड़े होते हैं तो एप्पल्स बड़े, तो बड़े होते हैं तो वन डजन में ट्वेल्व एप्पल्स जब आप कहोगे, तो सफिशियंट अमाउंट देखने लायक लेकिन अगर मैं वन एटम कहता हूं तो वन एटम इतना छोटा है कि वो आपको पता ही नहीं चलेगा तो एक बहुत बड़ा नंबर चाहिए था आपको तब जाके आपको एक अमाउंट मिलेगा जिसको आप वेट कर सको उस जिसका वजन नाप सको तो मेजरेबल हम लोग जो देख सकते हैं उस उस लेवल पे अगर आपने को चीज को एनालाइज करना है तो एक बहुत बड़ा नंबर चाहिए क्योंकि क्वांटिटी बहुत छोटी है सीधे सीधे शब्दों में समझो ना क्वांटिटी जितनी छोटी होगी उसके लिए यूनिट उसके लिए जो आप नंबर यूज करोगे मेजर करने के लिए उतना ही बड़ा है और क्वांटिटी जितनी बड़ी होगी उसके लिए आप उतनी छोटे आ, यूनिट्स का इस्तेमाल कर रहे हो या उतने छोटे नंबर्स का इस्तेमाल कर रहे हो सो so, जैसे हम एक पेयर को भी लिख लेते हैं वॉट इज वन पेयर वन पेयर का मतलब होता है टू जैसे वन पेयर शूज तो वन पेयर शूज अगर आपसे कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि टू शूज हैं सो ये पेयर भी इसी तरीके का मोल की तरह ही एक नंबर को बताने के लिए आपने यूज किया हुआ क्वांटिटी ओके okay? ओके okay. अब अगर मैं आपसे यहां कहूं कि तो नंबर का मतलब होता है 6.02 पॉइंट जीरो टू इंटू टेन टू मैंने यहां पे सिक्स पॉइंट जीरो टू थ्री को सिक्स पॉइंट जीरो टू ले लिया है अप्रोक्सीमेशन के लिए किसका माइकॉन है बंद करो अवर गैट द नंबर इज इक्वल टू सिक्स पॉइंट जीरो टू इंटू टेन टू दी थ्री तो वन मोल ठीक है यहाँ तक अगर मैं कहूँ कि मेरे पास टू मोल एटम्स हैं किसी भी चीज के लेट सेफ ऑफ कार्बन है तो कितने एटम्स हैं मेरे पास टू मोल एटम्स ऑफ कार्बन है अगर मेरे पास तो कितने एटम्स हैं हाउ मेनी एटम्स डू आई हैव जब वन मोल का मतलब अवग नंबर है तो टू मोल एटम्स मतलब कितना होगा सो वन मोल इफ अवग एटो नंबर है तो टू मोल का मतलब हो गया टू इन टू अवग एटो नंबर एटम्स ऑफ कार्बन और टू सिक्स पॉइंट जीरो टू इंटू टेन टू दावर ट्वेंटी थ्री एटम्स ऑफ कार्बन अगर आपसे यह कह दिया जाए कि मेरे पास है बिल्कुल सॉल्व अगर आप करेंगे तो यह आ जाएगा ट्वेल्व पॉइंट जीरो फोर इंटू टेन टू दावर ट्वेंटी थ्री एटम्स अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास है 3.01 पॉइंट जीरो वन इंटू टेन टू दावर ट्वेंटी थ्री एटम्स ऑफ कैल्शियम कैलकुलेट द मोल्स अब मैं कह रहा हूं थ्री पॉइंट जीरो वन इंटू टेन टू दी ट्वेंटी थ्री एटम्स ऑफ कैल्शियम कैलकुलेट द मोल्स पहले मैंने मोल्स दिया था एटम्स बताया था अभी मैं कह रहा हूं एटम्स दे दिया मोल बताओ हम्म बिल्कुल तो आप इसे ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि सिक्स पॉइंट जीरो टू इंटू टेन टू ट्वेंटी थ्री का मतलब है वन मोल तो उसका हाफ अगर आपने कर दिया थ्री पॉइंट जीरो वन इंटू टेन टू दॉर ट्वेंटी थ्री तो इसका मतलब हाफ मोल हो जाएगा और अगर आपने ट्वेल्व पॉइंट जीरो फोर इंटू टेन टू दॉर ट्वेंटी थ्री कर दिया होता तो वन डबल कर दिया आपने तो ये दो मोल हो जाता ठीक है यानी कि मैं अगर मेरे को मोल्स पता है तो मैं उससे एटम्स निकाल सकता हूं और अगर मेरे को नंबर ऑफ एटम्स पता है तो मैं उससे मोल्स निकाल सकता हूं तो अगर इन दोनों चीजों को रिलेट कर दिया जाए मोल्स और एटम्स को तो हम कह सकते हैं दैट नंबर ऑफ एटम्स अगर आप फाइंड करना चाहते हो सो दिस विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इन टू अवगैडो नंबर विच इज 6.02 पॉइंट 10 टू इंटू टेन 23. और यहीं अगर आपको मोल्स निकालना हो तो आप क्या करें मोल्स को यहीं रहने दो अवगैडो नंबर को यहां नीचे ले आओ तो मोल्स का फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ एटम्स अपॉन अवगैडो नंबर जैसे कि एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फॉर वन पॉइंट two zero four into ten to the power twenty one atoms of an element calculate the number of moles for one point two zero four into ten to the power twenty one एटम्स ऑफ एन एलिमेंट ओके जैसे ही छह बजेगा मुझे बता देना क्योंकि दूसरे सब्जेक्ट की क्लास है आप लोगों की देखिए अब आप डायरेक्टली देख नहीं पा रहे यहां पे, आ, तो क्या करें तब आपको फॉर्मूले पे आना है क्या याद रखो एक याद रखो इनमें से जैसे मैं पहले वाले को याद रखा नंबर ऑफ मोल नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू तो मोल्स इन टू अवर गैटो नंबर और मोल्स निकालना होगा तो क्या करूंगा अवर गैटो नंबर को यहां डिनोमिनेटर में भेज दूंगा तो अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स चाहिए तो नंबर ऑफ एटम्स अपॉन एडो नंबर नंबर ऑफ एटम्स कितने थे 1.204 टू जीरो अब इसको थोड़ा और अच्छे से लिखो तो आप इसको लिख सकते हो ट्वेल्व पॉइंट जीरो पॉइंट को आप एक पीछे ले जा रहे हो तो पावर में क्या होगा टेन टू पावर ट्वेंटी हो जाएगा अपॉन सिक्स पॉइंट जीरो टू इंटू टेन टू ट्वेंटी थ्री सॉल्व करो तो ये आ जाएगा टू ट्वेंटी और ट्वेंटी थ्री को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा टू इंटू टेन टू दावर ट्वेंटी थ्री इसको ऊपर ले आइए तो टेन टू पावर माइनस थ्री इतने मोल्स हो जाएंगे नहीं देखो ना पावर में देखो टेन टू दावर ट्वेंटी वन है यहाँ पे टेन टू दावर ट्वेंटी और अवरगैर्ड्रो में नंबर में कितना होता है 10 23, तो इसको करना पड़ेगा अपने पॉवर ट्वेंटी वन तो मैंने उसको रखा ट्वेल्व पॉइंट जीरो अवर गैड्रो नंबर सो ये आ गया टू इंटू टेन टू दावर माइनस थ्री मूल्स प्रॉपर सॉल्व करना पड़ेगा इसको एक और एग्जाम्पल देखिए चलो ये वाला आप ट्राई करो ये सबसे हो जाएगा कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स Present in zero point five mole of helium, zero point five mole of helium sample. Calculate the number of atoms present in zero point five mole. ऑफ हीलियम सैंपल तो हमारे पास एक हीलियम का सैंपल है जिसमें है पॉइंट फाइव मोल्स तो बताओ एटम्स कितने हैं हीलियम के कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे यहां सो so, हम यहां यूज करेंगे नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर तो ये हो जाएगा मोल्स है 0.5 इनटू एवोगाड्रो नंबर वैसे तो इतने में ही आंसर आ गया है आप 0.5 एवोगाड्रो नंबर बोलेंगे तो भी आंसर करेक्ट है लेकिन अगर आप प्रॉपर्ली सॉल्व पूरा आंसर लाना चाहते हो तो 0.5 और एवोगाड्रो नंबर को रख दो 6.02 10 टू द पावर 23 This comes out to be 3.01 into 10 to the power 23 atoms.